हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी कि इजराइल में ये जो गाजा स्ट्रिप है फिलिस्तीन से, हमास ने लगभग 300 के आसपास रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे और उसके रिप्लाई में इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने गाजा स्ट्रिप पर बहुत सारे रॉकेटों से अटैक किया, एयर स्ट्राइक्स किए। जैसा कि हमें मालूम है, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इजराइल और जो फिलिस्तीन है इसके बीच में कभी भी नहीं बनी। यानी कि जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से ही अरब देशों से, खास करके सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ईरान, इनसे तो झगड़ा हो ही रहा है उसका, लेकिन जो उसका मुख्य विवाद है वो है फिलिस्तीन के साथ में। और फिलिस्तीन और इजराइल का अक्सर, जैसे कि 1948, 1949, 1967 या जब भी देखिए 2000 से 2005, इनके बीच में छुटपुट या बहुत बड़ी जंग होती रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर ताजा विवाद क्या है, क्यों दोनों तरफ से रॉकेटबाजी और एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। तो इस ताजे विवाद का मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा क्या रीजन है। कि होता क्या है कि रविवार के दिन इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, ये जो पूर्वी यरूशलम है, इजराइल की जो राजधानी है यरूशलम, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तीन धर्मों की धार्मिक स्थल है वो, तो जो पूर्वी यरूशलम है वहां से फिलिस्तीनियों के 7 फैमिलीज को हटाने का आदेश जारी किया था। अभी आप ये सोचेंगे कि जब इजराइल अभी जो विवादों का एरिया है यरूशलम, तो वहां से इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने उन फिलिस्तीनियों को हटाने का आदेश दे कैसे दिया। तो दोस्तों, इसके लिए चलेंगे हम थोड़ा सा पीछे। कब चलेंगे पीछे? यानी कि जब आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का इतिहास बताया है। तो उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि जब बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय जब ये बात सामने आई थी ब्रिटेन के द्वारा कि इजराइल यहूदियों को हम इजराइल में बसाएंगे, यानी कि फिलिस्तीन में बसाएंगे यरूशलम के पास, तो बहुत सारे यूरोप देशों से जो यहूदी हैं वो धीरे धीरे आकर के यरूशलम के पास बसने लगे थे। और उन लोगों ने क्या किया था कि यरूशलम में अरब लोगों से, जो फिलिस्तीनी रहते थे, उनसे वहाँ की जो जमीन है वो काफी ऊंचे दाम में खरीदी थी और इन्हीं अरब वालों ने वो जमीन बेची थी। ठीक है, तो उसके अनुसार कानून क्या होता है कि वो जो यहूदी हैं वो वहाँ के असली मालिक हैं, यानी कि जिनके पास पेपर है जमीन के, उस जगह के वो मालिक हैं। तो उसी सब को देखते हुए इजराइल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने का आदेश दिया गया था। और इसी आदेश का पालन करते हुए इजराइल में जो शेख जर्रा नामक जगह है वहां पर रहने वाले 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर वहां पर यहूदियों को बसाया जाने लगा। लेकिन जो फिलिस्तीनी थे उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को सही नहीं माना, वो कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे और उन्होंने इसके लिए, इसके विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन किए। यानी कि जहां जहां पर अरब लोग रहते थे फिलिस्तीनी, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया। तो इसी विरोध के लिए वो लोग, जैसे कि ये जो अल अक्सा मस्जिद आप देख रहे हैं जो कि मुस्लिमों की तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, तो यहाँ पर जब रमजान का जो महीने का जो आखिरी शुक्रवार था उस मौके पर जब वो नमाज अदा करने आए तो काफी सारी भारी तादाद में लोग आ गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। तो नमाज के बाद मौजूद मुस्लिमों ने शेख जर्रा में जो खाली कराया जा रहा है उसके विरोध में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो शांतिपूर्वक शुरू हुआ था आंदोलन, ये धीरे धीरे करके जो प्रदर्शन है वो हिंसक होना शुरू हो गया। और बाद में क्या हुआ कि इजरायली पुलिस पर जब पथराव किया कुछ फिलिस्तीनियों ने, विरोध वालों ने, आंदोलनकर्ताओं ने, तो बाद में पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े। लेकिन असली विवाद कब शुरू हुआ? जब मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंका गया। मस्जिद में हो सकता है किसी ने हैंड ग्रेनेड फेंका हो, इस वजह से जनता और भड़क गई। ये तो हो गया एक विवाद का वजह। दूसरी वजह क्या है कि जैसे कि 1967 में क्या हुआ था कि जब इजराइल ने 6 डे वॉर में अरब देशों को हरा दिया था और काफी सारी जमीन को कब्जा कर लिया था, तो 10 मई को ये लोग उसी खुशी में यरूशलम डे मनाते हैं इजराइल वाले। और वो लोग जो उनका होली ऑफ होली जो दीवाल है जिसे यहूदी पवित्र जगह मानते हैं वहां तक जाकर के प्रार्थना करते हैं और मार्च करते हैं। तो जो फिलिस्तीन के परिवार हैं, यानी कि उसी दिन क्या था कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट में फिलिस्तीन के परिवारों को निकाले जाने के मामले की सुनवाई होनी थी, तो उस वजह से और ये झगड़ा शुरू हो गया कि यानी कि ये एक तरफ खुशी मना रहे हैं तो उन्हें लगा ये हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जो भी है,
तो इस तरीके से एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति मतभेद तो बढ़ा ही हुआ था, और वो फैसला आने के बाद और धीरे धीरे मुद्दा गर्मा गया। और रही बच्ची जो कसर है वो पूरी किसने कर दी, हमास ने पूरी कर दी, जब हमास ने अचानक से इजराइल के ऊपर 300-400 रॉकेट एक साथ अटैक किए। वैसे तो इजराइल का जो डिफेंस रॉकेट डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ रॉकेट आ जाती हैं जिसकी वजह से इजराइल का जो सिविल एरिया है वो डैमेज हुआ। फिर रिप्लाई में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है जो हमास का जो गाजा पट्टी एरिया है वहां पर। तो ये जो ताजा विवाद था वो मैंने आपको बताया। ये जो अलक्सा मस्जिद है इसके पास जब रमजान के महीने के लास्ट दिन शुक्रवार के दिन नमाज अदा हो रही थी, उसके बाद ये जो विरोध की जगह पर हिंसक विरोध शुरू हो गया और धीरे धीरे करके वही चीजें बढ़ती चली गई, और उसके बाद हमास ने पूरा का पूरा काम और बिगाड़ दिया जब उन्होंने रॉकेट फायर किए। तो इस वजह से ये अभी का जो विवाद है वो शुरू हुआ था। तो अब आपको मालूम चल गया होगा, अगर आपको इजराइल और फिलिस्तीन की पूरी इतिहास जाननी है कि कैसे कैसे इजराइल बना था, कैसे कैसे इनमें झगड़ा शुरू हुआ, क्या क्या हुआ था, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा यरूशलम में आखिर कौन से तीन धर्मों का पवित्र स्थल है, उनके नाम क्या है, उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप दूसरा मेरा एक वीडियो और देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।